हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास टेंथ। टुडेज इन माय वीडियो लेक्चर वी डिस्क्राइब्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, और जो एनसीईआरटी बुक्स भी है और एनसीईआरटी इनसाइड्स टॉपिक्स भी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स हम इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक क्वेश्चन उसके आंसर को हम यहाँ शो करते जाएंगे। आप इसको पॉज करके इसको आंसर को आप पढ़ें, क्योंकि इसके क्वेश्चन से मैक्सिमम आंसर हमने पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं एयर में बर्निंग करने से पहले, दैट इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसका आंसर है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल व्हेन स्टोर इन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन को एयर में अगर रखते हैं तो मैग्नीशियम रिबन्स अपने सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाई सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन एक्सपोज इन एयर। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले इसको सैंड पेपर से इसको जो है रब करते हैं और इसके ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन आपको दिया जा रहा है, इसका इक्वेशन राइट करना है। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इसको वर्ड में दिया गया है और इसको इसी को नीचे हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इन ए इक्वेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ जो को प्रोवाइड किया जा रहा है इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में राइट करना है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, BaCl2 Na2SO4 BSO4+2NaCl Na(OH) को देख रहे हैं, एक एक जो है क्वेश्चंस विथ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम आपको शो कर रहे हैं, क्वेश्चन इसको आप पढ़ेंगे, पास करके पढ़ेंगे और इसके एक एक आंसर को हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके आंसर को आप चेक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग। सोल्यूशन एक्स जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो नेम द सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस का नेम लिखना है। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एबव विथ वाटर।
तो इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ दिया जा रहा है कि सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो व्हाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, और इसको अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर सेशन कराएंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ जो आपको दिया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं कि वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन ए वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द ऑर्डर, नेम द गैस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि जैसे वाटर का जब हाइड्रोलिसिस आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो वाटर के वन मॉलिक्यूल्स, अगर वाटर वाटर जिसे हम यहाँ शो कर रहे हैं बैलेंस इक्वेशन 2H2O, ओके, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा 2H2 प्लस O2। तो यह हाइड्रोजन आपको मिलता है एनोड पर, अब ऑक्सीजन मिलेगा वो हाइड्रोजन मिलेगा आपको कैथोड पे, कैथोड हाइड्रोजन कैथोड और ऑक्सीजन जो है एनोड, ऑक्सीजन एनोड मिलता है। यहाँ क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, तो रेशियो आपको मिलेगा 2:1 का, जो कि इसमें समराइज किया गया है कि हाइड्रोजन कंटेन टू पार्ट्स ऑफ वाटर कंटेन टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने अभी इसके पहले बताया। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 2:1। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू वन टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर, अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज वेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट्स। दैट इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड। आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट में मिक्स करते हैं तो आयरन दैट इज वेरी रिएक्टिव, कॉपर को जो है डिस्प्लेस करता है, इसलिए कॉपर की कोटिंग्स जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट इसको आप पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेदर देन द वन गिवन इन पॉइंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ट क्वेश्चन, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम पॉजिटिव है, कार्बोनेट निगेटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है, क्लोराइड निगेटिव है, तो सोडियम का रिएक्शन क्लोरिन होगा, कार्बन का रिएक्शन जो है कैल्शियम होगा, तो फार्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड फार्मेशन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेन दैट आर ऑक्साइज एंड द सब्सटेन दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टूडेंट्स हम एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ शो कर रहे हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चंस जैसे स्टूडेंट्स अपने आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आइडेंटिफाई करना था सब्सटेंस को, ऑक्साइड एंड सब्सटेंस रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है, दोनों प्रोसेस हमने आपको बता रखे हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज होता है रिडक्शंस, तो सोडियम यहाँ जीरो होगा, सोडियम यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो सोडियम को हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यहाँ जीरो होगा, ऑक्सीजन यहाँ निगेटिव हो जाएगा, फ्री स्टेट में जीरो तो ऑक्सीजन का हो जाएगा रिडक्शन। तो इस तरह से सोडियम जो आप यहाँ देख रहे हैं आंसर में दिया है कि सोडियम ऑक्साइड, ओके, एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज को देखेंगे। सो थैंक्स।